बीच में मीरा भयंकर के विकास पुरुष जिन्होंने सही मायने में मीरा भयंकर का विकास किया। 1986 में जब मैं मीरा रोड आया तब के मीरा भयंकर में और आज के मीरा भयंकर में चाहे तमाम दावे हो जाए लेकिन मैं जिस शख्सियत का यहाँ नाम लेने जा रहा हूँ यदि वो नहीं होते उनका परिवार नहीं होता तो साथियों कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो मीरा भयंकर आज है वो नहीं होता। ऐसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। दोस्तों अक्सर चर्चा होती है कि मुजफ्फर हुसैन साहब मुसलमान है लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि हुसैन साहब ने जितने मंदिर बनाए शायद ये मस्जिदों को उतना उन्होंने ध्यान दिया होगा। कुछ मंदिरों का मैं गवाह हूं। एक ऐसी शख्सियत जिनको मैंने दुर्गा मंदिर बनाते हुए देखा जिनको मैंने अयप्पा मंदिर बनाते हुए देखा और मुझे पूरा विश्वास है हुसैन साहब कि विश्वकर्मा मंदिर भी बनेगा तो आपके ही हाथ से बनेगा। ये हमारे समाज का भी एक विश्वास है। हुसैन साहब के साथ में ही हमारे बीच में अभी मेरे मित्र दीपक जैन जी ने कहा कि जैन साधुओं का जो इलाज होता है हुसैन साहब वो भी मुफ्त में करवाते हैं चाहे 1 लाख हो चाहे 20 लाख हो चाहे जो भी लाख हो। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन जो अमल में लाए उसी का नाम मुजफ्फर हुसैन है। ऐसे हमारे हुसैन साहब के एक बार जोरदार तालियां महिलाओं की तरफ से बजनी चाहिए। मुजफ्फर साहब का यहाँ पर सौ और पुष्प गुच्छ लेकर स्वागत करके संस्था के सचिव श्री पतिराज विश्वकर्मा जी हुसैन साहब इस बार जो है हमारे मीरा भयंकर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी है। हुसैन साहब का नाम आने के बाद खासकर ही कांग्रेसियों में दोगुना उत्साह है। मैं अब ज्यादा कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि मार्गदर्शन करें। विश्वकर्मा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय महापूजा मंच के उपस्थित राकेश विश्वकर्मा जी पतिराज विश्वकर्मा जी सुरेश विश्वकर्मा जी शिवप्रसाद विश्वकर्मा जी दीपा पिंटू कृष्णा भुसरे उमेश यादव विजय ठाकुर शैलेंद्र रूपे जयसवाल राजकुमार मिश्रा उपाध्याय जी जयसवाल जी अब्दुल जी मंच पे तमाम कलाकार उपस्थित सभी भाइयों बहनों राकेश जी और उनके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि हर साल सालों साल से समाज के इस कार्यक्रम को वो करते चले आए। भगवान विश्वकर्मा जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा ने आपके समाज को वरदान दिया है मकान बनाने का और आप समाज को जोड़ने का काम करते हैं। काम एक ही है कारागिर कील टोक के टेलीफोन लगा के कोई चीज को जोड़ता है मगर आप दिल से दिल को जोड़ते हो। काम आप वही कर रहे हो और दिल से व्यक्ति वही जोड़ पाता है जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आपको तो आशीर्वाद प्राप्त है ही है और इसीलिए आपकी संगठना बढ़िया काम कर रही है। और देख लीजिए आपने कहा कि आपके समाज में से बच्चियां डॉक्टर भी बन रही है आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं तो सिर्फ मकान बनाना इमारत बनाने का कार्य भगवान विश्वकर्मा आपसे ले रहे हैं तो मनुष्य जाति की सेवा करने का काम भी आपसे ले रहे हैं आपके समाज से ले रहे हैं। इसलिए जो बच्ची डॉक्टर बनी है उसको उसके परिवार को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं
वो भी लोगों की जान माल बचाने का काम कर रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है आपके समाज के ऊपर, और ये हमेशा सदैव बना रहेगा। जब जब मनुष्य अच्छा काम करता है तो समाज प्रगति करता है, और जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तो विनाश काल की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान को भी जो है अहंकार कभी पसंद नहीं आता। जो जितना जो पेड़ होता है, जितना ज्यादा फूल, राजीव जी जितने ज्यादा फल जिस पेड़ में लगे रहते हैं, फल हमेशा वो पेड़ जो है हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है, उसकी डाली झुकी भी रहती है। अब ताड़ के झाड़ को देख लीजिए कि तूफान जब आता है तो अकड़ के खड़ा रहता है तो गिर जाता है, और जो छोटे झाड़ होते हैं या घास होती है जब तूफान आता है तो वो सो जाता है, और तूफान निकल जाता है तो फिर वो खड़ा नजर आता है और ताड़ का झाड़ गिरा हुआ नजर आता है। तो ये अहंकार होता है जिसे लोग कहते हैं कभी कभी मुझे गर्व है, तो वो गर्व नहीं होता है तो उसमें अहंकार की बू आती है। आपके समाज को जिस तरह से आपने राजनीति संगठित कर रखा है, और मैं कई सालों से देखता हूँ कि समाज के अंदर के अपने लोगों का सत्कार करना, सम्मान करना, उससे समाज को प्रोत्साहन करना, ये आप बढ़िया काम करते आए हो। आपकी संगठना, आपका फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, आपको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके समाज को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।